बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। छोड़ो इन सीरियस बातों को। धर्मवीर, जवान हो, अफसर हो, माजी ने जरूर कोई लड़की देखी होगी तुम्हारे लिए, हैं? तुमने देखी? पसंद आई? बड़ी बात तो यह है कि मैं उसे पसंद आ गया। इस बार तुम पूरे काबू में आ गए। अच्छा बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? होना क्या था, कमीशन होके मैं वापस गांव पहुंचा, बस रुकी है। सच कह रही है? देवी माँ की कसम, चल। माँ, इन पाँव में क्या रखा है? मेरे कलेजे से लग जा, मेरे कलेजे से लग जा, मेरे बच्चे, मेरे कलेजे से लग जा। मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा तो रोम रोम आशीर्वाद देगा। नमस्ते जी। कैसा है ऋतु? अरे तू दाढ़ी बनाने लग गया है। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ, कितना ही बड़ा हो जाओ माँ, तेरे लिए तो बच्चा ही रहूंगा। कितना कमजोर हो गया है। अरे फौज वाले तुझे खाना नहीं देते क्या? अच्छा भला तो है मौसी, कमजोर कहाँ हो गया है? तुझे नहीं पता, जो माँ के हाथ देख सकते हैं वो तेरी आंखें नहीं देख सकती। ठीक है मौसी, बेफिक्र रहो, मेरी नजर तुम्हारे बेटे को नहीं लगेगी। जो लगनी थी वो तो कब की लग चुकी है। क्या कहती है तू? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी तो अच्छा ही है माँ, चले। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे चलो ना। लो मौसी, मेरी अम्मा और बाबा भी आ गए। बधाई हो बहन जी, अपना धर्मवीर अफसर बन के घर आ गया। आपको भी बधाई हो। जीता रहे। जीते रहो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वीर भान का घर एक बार फिर खुशियों से झूम उठा। भगवान करे धर्मवीर के सहरे की खुशियां भी जल्दी से इस घर में आए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये लो। बहुत आम खाए, मगर जो बात इस टपके में है वो किसी में नहीं। इसके रस में प्यार का रस मिला हुआ है। बुद्धू। अच्छा मैं चल के तंदूर लगाती हूँ, बेटा खाना यहीं खा कर जाना। अच्छा बेटा तुम लोग खाओ, मैं खेतों का चक्कर लगा के आता हूँ।
कर रहे हो तुम? आम का रस क्यों फेंका मुझ पे? अरे सारी दुनिया भूलकर आम चूस रहे हो तुम। क्यों? तुम्हें इतना भी होश नहीं कि तुम्हारे आसपास कोई और भी है? हाँ? क्यों भाई, तुझे आम अच्छे नहीं लगते? नहीं लगते। तो फिर क्या अच्छा लगता है बताओ? हाँ बताओ। हाँ, सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर। कमो 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 वापस आ जा। तू आ गया बेटा? हाँ माँ। क्या बुन रही हो? अपने बेटे के लिए सेहरा। सेहरा? मेरी शादी के लिए? और नहीं तो किसके लिए? तेरे सिवा मेरा और है ही कौन? मगर कोई लड़की भी देखी है मेरे लिए? देखना क्या है, एक ही तो है जो हम सबके मन में बसी हुई है। वो कौन? और कौन, हमारी प्यारी कम्मो। वो ऊंचे नाक वाली? क्या? अरे हाँ, वो ऊंचे नाक वाली, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्या कह रहा है तू? हाँ, जो तूने सुना माँ, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कम्मो से ही शादी करनी पड़ेगी। और मेरा ये फैसला है कि मेरी शादी उसी के साथ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आखिर क्या बुराई है कम्मो में? तुम्हें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। वो बदतमीज गवार किसी फौजी अफसर की बीवी बन सकती है। अरे घर के बर्तन क्यों तोड़ रहा है? हाँ, इतना गुस्सा किस बात पर? गुस्सा नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं, और तुम हो कि बस एक ही जिद, कमला कमला। ऐसा ना कर बेटे, कम्मो और उसके घर वालों ने तुझे अपना बनाने के लिए कब से सपने सजाए हैं। किसी के सपने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जिद नहीं करती। मैं चौधरी साहब के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। तुम दोनों बच्चे थे तब से वो आस लगाए बैठे हैं, पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे या नहीं। कहाँ चल दी माँ? छोड़। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तू सच कह रहा है? हाँ माँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुझे कमला पसंद है? हाँ माँ पसंद है बहुत। चुक 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 मेरे लाल, मैं कल ही तुम दोनों की सगाई कर देती हूँ। धर्मवीर, मैं अभी अभी रेडियो पर खबर सुनकर आ रहा हूँ। बॉर्डर पर लड़ाई के बादल छा चुके हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है, सब फौजियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। धर्मवीर क्या हो गया भाई, गाना बजाना क्यों बंद कर दिया? हाँ? अरे भाई गाओ। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। क्या धर्म, अरे आप लोग चले क्यों जा रहे हैं? धर्म बेटा, बेटा ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं? हाँ बैठो माँ। हाँ? कम्मो कहाँ है? कम्मो बैठो। क्या हो गया? हा? बता क्या हो गया है? माँ मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, मुझे जाना होगा।
कहाँ? बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ने वाली है। बेटा तू सेहरा नहीं बांधेगा? सेहरा तो अभी पूरा नहीं बना है माँ, बुन लो, मैं वापस आकर पहनूंगा। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जिद मत करो माँ, जानती हो ना मैं रुकना भी चाहूं तो भी रुक नहीं सकता। नहीं नहीं बेटे, कुछ तो सोच, अपनी माँ पर कुछ तो तरस खा। अब मेरी इन आंखों में वो नजर बाकी नहीं है जो तुम्हारी राह देखूं, और ना ही आंसू है जो तुम्हारी याद में बहा सकूं। मेरी राह और मुश्किल ना करो माँ, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। नहीं, नहीं, मुझे जाना ही होगा। नहीं 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 जाने दूंगी मैं तुझे, नहीं जाने दूंगी मैं तुझे, नहीं जाने दूंगी मैं उसे, जाने नहीं दूंगी मैं उसे, जाने नहीं दूंगी मैं उसे, रोक लूंगी मैं उसे, रोक लूंगी मैं, नहीं जाने दूंगी मैं, जाने नहीं दूंगी, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मैं उसे रोक लूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं उसे रोक लूंगी। तुम यहाँ? तुमने सोचा कि किसी को बिना खबर दिए ही चले जाओगे ना, लेकिन मैंने तो पहले से ही ठान ली थी तुम्हें जाते हुए देखूंगी, ताकि वापस आते हुए फिर यही देख सकूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर मैं तुम्हारे साथ दो कदम बस स्टैंड तक चलूं? चलो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं उसे रोक लूंगी, मैं उसे रोक लूंगी, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कमो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। कमो, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से शादी कर लेना। तुम हंस रही हो? कुछ याद आ गया, एक बार मैं आगरा गई थी, वहां एक पागल रास्ते में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, कभी पीछे मुड़कर देखता था, फिर सीधा होकर दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेता था, फिर धीरे से दाएं बाएं देखता, फिर गुस्से में जमीन पर बैठ जाता और मुक्के मारने शुरू करता, कभी दाएं घूमता, कभी बाएं घूमता, कभी आगे कभी पीछे, फिर दौड़ने लगता, रुक जाता, पीछे देखता और लेट जाता, फिर झट से उठता और घूमने लगता। जानते हो क्या कर रहा था? हाँ, अपने साये से पीछा छुड़ा रहा था। मैं तुम्हारा साया हूं, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते।
मैं चलता हूं। सुनो, अपना ख्याल रखना। बस में से पलटकर उसे देखने की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी। उसकी नजरें बस का पीछा करती रही होंगी ना।